रिलीज हो चुका और उस पिक्चर का नाम क्या है, बाय बाय मोदी 2024। आप उसको प्रमोट करिए, पूरा देश प्रमोट करेगा आप उसको, क्योंकि देश समझ गया आपके पास ध्रुवीकरण करने के सिवा कोई मुद्दे नहीं है। इनको है क्या, नाम में मुस्लिमीन है, इनके रोम रोम में सांप्रदायिकता है, और जहां इनको सहूलियत होती है वहां संविधान की बात करते हैं। हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि अगर वारिस भाई पे आ जाएगी तो हम अपनी जान दे देंगे, वो इसलिए कि पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद कुछ आता है। और तुम लोग अपने जवानों की शहादत पे भी मुसलमान और हिंदू ढूंढते हो। अब ये देखिए, मैं एक एक करके इनका नफरती चेहरा दिखाता हूँ जनता को। ये एक पोस्टर AIMIM का है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा सरतन से जुदा। कौन है नफरती चिंटू? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वायरल डिबेट शो के अंदर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले वो होने वाला टाइम्स नाउ नवाबाद के शो सवाल पब्लिक का। इस डिबेट के अंदर आपको पेशे से वकील और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान के बीच में काफ़ी तीखी बहस इस डिबेट में देखने को मिलेगी। वारिस पठान जी बीजेपी पर ये आरोप लगाएंगे कि बीजेपी हिंदू और मुसलमानों को बांटने की राजनीति करती है। वहीं दूसरी तरफ गौरव भाटिया वारिस पठान के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें काफ़ी कड़ा जवाब इस डिबेट में देंगे। दोस्तों वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देख के जाइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के भी कुछ नहीं आया तो कैसे कैसे इस देश की राजनीति अब धर्म विशेष के नाम पर चलेगी? आप कॉन्स्टिट्यूशन और कम्युनल फोर्सेस बीजेपी को कहेंगे, बाकी तरफ क्या हो रहा है इस पर कुछ नहीं कहेंगे? देखिए नविका जी, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन है, वोटर सुप्रीम है, और हम तो सिर्फ दो सीट पे लड़े थे, इतनी सारी पे नहीं लड़े थे, दो सीट पे लड़े थे। और हमको यकीन है कि जो लोगों ने हमको वोट दिया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, आगे हम और मेहनत करेंगे, अच्छे वोट हम पाएंगे। मगर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बीजेपी ने तो पूरी ताकत लगा दी, मोदी अमित शाह इनकी तो हार है, मैं उनको उनकी हार की मुबारकबाद पेश करता हूँ गौरव भाटिया, बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आपने पूरा पोलराइजेशन कर दिया था वहाँ के ऊपर, आपने तो चला दिया था, आपने क्या कुछ नहीं किया, UCC लेकर आ गए आप वहाँ पर, आपने मुसलमानों का जो 4% कोटा था OBC का उसको खत्म कर देने की बात आपने कर दी, आपने तो यहाँ तक बोल दिया केरला द लव स्टोरी है वो एकदम अच्छी पिक्चर है, देख ले मोदी जी तो उसका प्रचार करने लग गए थे जबकि वो लाइव प्रोपेगेंडा और हेटरेट को फैला रही थी, हलाल के ऊपर, हिजाब के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर तो आपने आ गए, मगर आपको जनता ने ठुकरा दिया, मुसलमानों ने भी वोट नहीं दिया और हमारे हिंदू भाई ने भी वोट नहीं दिया आपको, क्योंकि समझ गए आपके पास कोई डेवलपमेंट विकास का मुद्दा है ही नहीं। इसकी बहुत बहुत मुबारकबादी, कांग्रेस जीती है उसको मुबारकबादी पेश करता हूं, हम चाहेंगे कांग्रेस ने जो वादे किए वादे को फुलफिल करे। मगर देखने वाली बात यह कि 24 के पहले नविका जी टीजर और ट्रेलर रिलीज हो चुका और उस पिक्चर का नाम क्या है, बाय बाय मोदी 2024। आप उसको प्रमोट करिए, पूरा देश प्रमोट करेगा अब उसको, क्योंकि देश समझ गया आपके पास ध्रुवीकरण करने के सिवा कोई मुद्दे नहीं है। सुनिए सुनिए, अभी अभी वारिस मेरे साथी हैं और ये वकील भी है नाविका जी, ये मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बैरिस्टर ओवैसी है वो बैरिस्टर ओवैसी नाम में लिखते हैं लेकिन है शरियस्टर ओवैसी, वो केवल कुरान की बात करते हैं, उनको संविधान से कोई मतलब नहीं है। एक वकील एक अधिवक्ता राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के ये आरोप लगाता है कि भाजपा ने सांप्रदायिकता फैलाई, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी। वारिस भैया वो किताब जिस पे समोसे रख के खाते हो ऐसा मत करो, वो संविधान है, वो हमारी आत्मा है, उसमें अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो संविधानिक क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करके लागू करना। दूसरी बात, नफरती चिंटू कौन है? नफरती चिंटू नाविका जी वो है जिसको कर्नाटका में 7090 वोट मिले, सुन लीजिए 7090 वोट, और मैं कृपया करके आपसे इतनी ही विनती करता हूं इनकी तुलना नोटा से मत करिए, क्योंकि नोटा इनके सामने बहुत बड़ा है और ये बौने हैं, क्योंकि नोटा को मिले थे 2,64,000 वोट, हमें मिली 64 सीटें और 1,38,00,000 वोट। अब आप मुझे बताइए कहां 1,38,00,000 वोट, कहा 7090 वोट, दोनों जगह जमानत जब्त हो गई, और उसके बाद नफरती चिंटू की बात करते हैं। अब ये देखिए, मैं एक एक करके इनका नफरती चेहरा दिखाता हूं जनता को। ये एक पोस्टर AIMIM का है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा सरतन से जुदा। कौन है नफरती चिंटू? अब वारिस भैया बैठे हैं, मुझे दुख हो रहा है, लेकिन ये वही वारिस भैया है जिन्होंने कहा था हम 15 करोड़ हैं लेकिन 100 करोड़ पे भारी हैं। अब इनके नफरती चिंटू के बड़े भैया हैं, उनका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है नाविका जी, उन नफरती चिंटू ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ और हिंदुओं को मजा चखा दूंगा। इनको है क्या, नाम में मुस्लिमीन है,
इनके रोम रोम में सांप्रदायिकता है और जहां इनको सहूलियत होती है वहां संविधान की बात अच्छा, करते हैं। एक बार याद रखना वाले भाई, अगर आप पे आज भी आएगी, सुनिए मेरी बात, सुनिए, शांत हो जाइए। हमारा धर्म हमें यह सिखाता है कि अगर वारिस भाई पे आंच आएगी तो हम अपनी जान दे देंगे। वो इसलिए कि पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद कुछ आता है। और तुम लोग अपने जवानों की शहादत पे भी मुसलमान और हिंदू ढूंढते हो, जो असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल, ये सवाल वाजिब सवाल है, उसमें साथ में पांच मुसलमान। दोस्तों सबसे पहले तो सभी देशभक्त प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम लिख डालिए। बात है दोस्तों इस डिबेट के अंदर वारिस पठान जो कि AIMM के प्रवक्ता, उन्होंने बीजेपी पर कर्नाटक इलेक्शन में सांप्रदायिकता और हिंदू मुसलमानों को बांटने की राजनीति का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ गौरव भाटिया जो कि बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने वारिस पठान के सारे आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें काफ़ी कड़ा जवाब इस डिबेट में दिया, उल्टा उन्हें काफ़ी एक्सपोज भी इस डिबेट में कर डाला। दोस्तों इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि वारिस पठान जैसे लोग और इनकी पार्टी हर वक्त सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का गुणगान करती है। उन्हें 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हर वक्त मुसलमान 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 दिखता है। मैं ये नहीं बोलता कि उन्हें मुसलमान नहीं दिखना नहीं है, लेकिन 140 करोड़ हम हिंदुस्तानी है और बाद में कम्युनिटी आती है दोस्तों, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये सोचने की आवश्यकता है। और हर वक्त वो किसी भी डिबेट में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस देश के अंदर मुसलमान ही विक्टिम है। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ही गलत है और ये गलत ही राजनीति ये लोग करते हैं। लोगों के जहनों में सांप्रदायिकता फैलाना, लोगों के जहनों में बांटने की राजनीति करना ये लोग करते हैं। जो यहाँ बैठ के डिबेट के अंदर ज्ञान पेलते हैं ना भैया, यही लोग इस डिबेट के अंदर बैठ के ऐसी बातें करते हैं और लोगों के जहनों के अंदर नफरतें पैदा करते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय इस डिबेट को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।